स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको समझने से पहले हमें छोटा सा प्रोसेस देख लेते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर में होता है, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। अब रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादातर एनिमल्स में होती है, और जो फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट्स में होती है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एनिमल्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में एक्सहेल करते हैं। लेकिन अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, जबकि पौधों के नीचे भी वो ऑक्सीजन को वो एक्सहेल करते हैं और एटमॉस्फेयर में उसको एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो है ये दोबारा जो एनिमल्स हैं वो उसको यूज करते हैं, इनहेल करते हैं, दोबारा भी उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है वहां पर, वो फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को यूज कर लेते हैं और वो अगेन भी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अगर आप देखिए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, फिर ऑक्सीजन इनहेल हो रही है, फिर कार्बन रिलीज हो रही है, इस तरह से इक्विलिब्रियम है। ये नीचे में पढ़े थे इस चीज को हम कहते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। अब ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इनमें रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को देखेंगे, रिएक्शन क्या है। अब रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब रिएक्टेंट क्या चीज है, रिएक्टेंट वो वाले हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो कि कंबाइन होते हैं, और पाउडर वो वाले हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो कि रिएक्टेंट के कंबाइन होने के नीचे में जो बनते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये आप ये मिलते हैं इसलिए हम इनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, और ये जो H2O है जो वाटर बन गया है जैसे में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बन रहा है, इसलिए हम इसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये एग्जांपल है रिएक्शन की, इसमें रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। और लिखने का तरीका ये है कि हम एरो साइड को शो करते हैं और रिएक्टेंट जो है वो एरो के लेफ्ट साइड पे और जो प्रोडक्ट है वो एरो के राइट साइड पे लिखते हैं। अब हम इसके टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या क्या है। पहला रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, अब हमने देखा कि रिएक्शन क्या है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं। अब कभी कभी हो सकता है कि प्रोडक्ट दोबारा से टूट के रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाए, और हो सकता है कि ना हो। अब दो पॉसिबिलिटीज आ गई, अगर तो प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टर में कन्वर्ट हो जाए तो हम उस रिएक्शन को कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, और अगर वो दोबारा टूट कर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही तो हम उसको इरिवर्सिबल कहेंगे कहते हैं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन की प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इरिवर्सिबल मैंने बता दिया कि इसमें प्रोडक्ट जो है वो रिकॉम्बाइन नहीं होते, वो रिएक्टेंट नहीं बनाते, इसको हम सिंगल से शो करते हैं, और क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टिव जो है प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन दोबारा से वापस आ सकते हैं, हम इसको सपोज टू कंप्लीट, हम इसको फर्स्ट कहते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन है। अब इसको एग्जाम्पल हमने लिखा है HCl रहने में, इसके दरमियान रिएक्शन है NaCl H2O बन रहा है। अब अगर आप देखिए तो ये हम इसको सिंक्रेटिव शो किया, इसका मतलब है रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम दोनों मिलकर दोबारा से ये चीज नहीं बना सकते, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन ये एग्जांपल है। अब हमारे पास दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें प्रोडक्ट जो है वो टूट कर दोबारा रिएक्टिव में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट के रिकॉम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आ सकता है। अब चूंकि ये रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं, तो हम इनको कंप्लीट तकमील तक ये नहीं पहुंच पाते, हम इनको मतलब ये कंप्लीट हम इनको मान देंगे। अब इनको हम डबल एरो से शो करते हैं, डबल एरो कहां पे लगा रहे हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। अब ये असल में दो रिएक्शन पर मुश्तमिल होता है, तो एक इसका पार्ट ये है कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट दोबारा मिलकर वो रिएक्टेंट बनाएंगे। तो अगर रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे तो हम उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे, और अगर प्रोडक्ट मिलकर दोबारा से रिएक्टेंट बना रहे तो हम उसको रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। उसके नाम पे मैंने ये लिखा है, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडीन बना रहे हैं, और हाइड्रोजन आयोडीन दोबारा टूट कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं, ये एग्जांपल आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब हम इसको जरा और अध्ययन करते हैं कि एक दिन रिएक्शन असल में होता है हाइड्रोजन आयोडीन के दरमियान। अब अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडीन असल में इसके रिएक्टेंट्स हैं और हाइड्रोजन आयोडीन इसका प्रोडक्ट है। अगर हम रिएक्टेंट में देखें जो आयोडीन है इसका जो कलर होता है वो पर्पल है, जबकि जो इसकी प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड वो असल में डबल एस है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हम सबसे पहले
बात करें तो हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे और कलरलेस हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, तो हमें नजर आएगा कि वहां पर जो पर्पल कलर है वो फैड हो रहा है। फैड का मतलब है वो लाइट हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर कलरलेस आयोडाइड बना रही है, तो हमें आयोडीन जो है वो कम होती नजर आएगा। ये कम हो रही है तो उसका कलर भी कम होता नजर आएगा, तो लाइट होता नजर आएगा। फिर अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट है वो टूटेगी, वे रिवर्स रिएक्शन है, बैकवर्ड भी कह सकते हैं हम उसको। तो हाइड्रोजन आयोडाइड जब टूटी तो इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से रिएक्शन करना शुरू करती है। अब हमने जो इसका जो कलर है पर्पल कलर जो कि पहले फेड हो चुका था, अब हमें वो दोबारा से पील होना शुरू हो जाएगा। पील होना इसलिए शुरू हो गया कि प्रोडक्ट जो कलरलेस थी वो अब रिएक्टर में टूटी और रिएक्टर में आयोडाइड भी शामिल है, तो आयोडाइड पर्पल है तो हमें पर्पल कलर दोबारा से रिएक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखे तो ओवरऑल जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और रिवर्स का सामना हम दोनों को एक साथ में लिखे हाइड्रोजन और आयोडीन और ये लिखकर आयोडीन आयोडाइड बनाएंगे। अब एक और एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो हम करवा रहे हैं रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों मिलती हैं तो जो प्रोडक्ट बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर हम इस प्रोडक्ट को लेकर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करते हैं तो वहां पर जो पेपर बनी जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो किसी का ऑर्डर है इसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब होगा क्या कि फर्स्ट करें कि हमने वो जो प्रोडक्ट है कैल्शियम कार्बोनेट वो एक फ्लास्क में लिया जो कि ओपन है अपने कैंडी से, वो ओपन है। अब जब हम इसको हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि अभी हमने देख लिया कि जब इसको तोड़ते हैं डीकंपोजिशन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड का नाम और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बने। अब चूंकि ये ओपन फ्लास्क है जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमें पता है ये गैस को रिलीज करती है, तो वो तो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, वो तो यहाँ फ्लास्क से उठ जाएगी तो दोबारा तो वापस नहीं आने वाला। इसका मतलब है कि ये रिवर्स रिएक्शन में ये बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जा सकता रिवर्स रिएक्शन में, क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो उड़ गई है, ये तो रिएक्टेंट हमारे पास ये कम हो गया। लेकिन अगर हमने दोबारा से इसको अचीव करना है कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है और कैल्शियम कार्बोनेट हासिल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो हम ओपन फ्लास्क ले रहे थे अब हम उसको ढक्कन लगा के कोक लगा के उसको बंद करना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने उसको बंद किया और फिर इसको कैल्शियम कार्बोनेट फिट किया तो अब जो हमारे पास जो रिएक्टेंट्स बनेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन से गैस फॉर्म में है, अब वो यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती क्योंकि हमने इसको क्लोज किया हुआ है। अब वो दोबारा से या अगर ऊपर जाएगी तो इससे टकरा के वापस आ जाएगी, दोबारा दोनों मिलकर आपस में कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो असल में ये जो पहला रिएक्शन ओपन फ्लास्क वाला था ये इरिवर्सिबल था, लेकिन ये आपके पास रिवर्सिबल है क्योंकि इसको क्लोज किया हुआ है। अब जो डीकंपोजिशन, अब ये तो पहला रिएक्शन ये इसी रिएक्शन में लिखा था डीकंपोजिशन रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन नेट मिले जब इसको तोड़ती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, लेकिन अगर दूसरे के बात करें ये ओपन वाला था और अगर रिएक्शन इसकी बात करें तो ये रिवर्सिबल है, मतलब ये दोनों मिलकर ये दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं। हम इसको डबल से शो करेंगे और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होगा ये कॉम्बिनेशन वाला होगा, ये असल में इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा जब आपके पास एक क्लोज सिस्टम है जो आपने इसको ओपन रखा उसको बंद किया हुआ। आगे हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी क्या है कि जब तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट रिवर्स रिएक्शन रेट के इक्वल हो जाएगा तो हम उस स्टेट को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी हमने इस एग्जांपल में देखा कि रिएक्टेंट जो है ये मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बनाते हैं उसको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। जब दोनों के रेट इक्वल हो जाते हैं तब वो जो रिएक्शन होता है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर जाता है, उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब उसकी दो राय है आपके पास, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो थोड़ी देर चल के रुक जाए थोड़ी देर के बाद, लेकिन जो जो सेकंड टाइप का डायनामिक इक्विलिब्रियम ये कंसीडर किया जाता है ये रुकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है ये ऑपोजिट रिएक्शन में चलते रहते हैं, रुकते नहीं है कभी, तो ये इसकी दो टाइप्स है। आगे हम देखते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। अब इनके प्रॉपर्टीज क्या क्या है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की। अगर फॉरवर्ड की बात है, फॉरवर्ड का मतलब है
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाना, मतलब ये लेफ्ट टू राइट होता है। तो पहले क्या होगा कि लेफ्ट टू राइट, यदि पूछे कि बात करें इनवर्स की तो वो राइट टू लेफ्ट होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अब दूसरा है कि इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हैं, मैंने भी बता दिया, और इसकी दूसरी उल्टी होगी रिवर्स की, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाते हैं। अब इनिशियल स्टेज पर क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं प्रोडक्ट के निस्बत, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए ज्यादा रिएक्टेंट जो मिलकर प्रोडक्ट बनाती है, तो इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होता है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बनी नहीं है, स्टार्ट होता है रिएक्शन, तो वो इनिशियली स्लो होगा। फिर हमारे पास फोर प्रॉपर्टी है कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि रिएक्टेंट्स मिलकर वो प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, तो रिएक्टेंट्स तो कम हो गए, अब उनका जो रेट है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा। तो टाइम के साथ साथ ग्रेजुअली वो स्लो डाउन होगा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है, क्योंकि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब जैसे मिल जाएगा प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगी, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो गई है तो वो स्पीड अप हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन। अब ये तो प्रॉपर्टी थी फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन। जब हम देखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम की, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ हम क्लोज सिस्टम में टेक कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक्सपेरिमेंट साबित यही करता है कि जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज सिस्टम में अटेन होगा। हो सकता है कोई वहां पर गैस वगैरह हो, स्केप भी कर सकती है, तो हम उसको रोकने के लिए कोई स्केप ना करें तो क्लोज सिस्टम होना चाहिए। दूसरा है रिएक्शन का स्पोर्ट्स, और भी हमने देख लिया इक्विलिब्रियम का ये है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, क्योंकि इक्विलिब्रियम टेन हो जाता है फॉरवर्ड जो है वो इक्वल हो जाता है रिवर्स के, तो वो रिएक्शन को स्टॉप ही नहीं करता, दोनों रिएक्शन में चलते रहते हैं। थर्ड है कंस्ट्रक्शन फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इक्विलिब्रियम पर ना ही कंस्ट्रक्शन चेंज होती है, ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ये भी थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर प्रॉपर्टी है कि ये टेनियर फ्रॉम आइदर वे, हम इसको दोनों तरीकों से हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करते हो रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर प्रोडक्ट से वो दोबारा से रिएक्टेंट में आएंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हो तो पूरा रिएक्टेंट में जाएंगे, रिएक्टेंट से दोबारा प्रोडक्ट में आएंगे। तो इसका मतलब ये कि हम इसको किसी भी तरह से अटेन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट। फिर लास्ट प्रॉपर्टी है कैन बी डिस्टर्ब एंड अगेन अचीव, हम इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और अगेन अचीव भी कर सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।